अस्सलाम वालेकुम। आज फिर आपके पास एक नया क्रोशिया डिज़ाइन के साथ, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगा। इसको डिज़ाइन आप देख चुके हैं, इसको हम कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, ये लेस है, पैटर्न है, तो आप इसको सूटेबल है कि आप इसके लिए शॉल बना सकते हैं या मफलर बना सकते हैं, कार्डिगन पर भी यूज़ कर सकते हैं और मिड सीज़न में हल्की सर्दी के साथ उसको इस्तेमाल किया जा सकता है। आइए काम शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने आपके सामने जैसे कुछ स्टिचेस डाल दिए हैं, आपके लिए भी एक सहूलत के साथ कि आपको जितनी लेंथ रिक्वायर्ड है अपने कार्डिगन या स्वेटर या जिसके लिए भी आप ये बना रहे हैं, उतनी लेंथ से कुछ ज़्यादा स्टिचेस डालकर आप इस काम को शुरू करें और फिर उसको हम कैसे सेट करेंगे यह भी आपको बताते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब जितनी आपकी लेंथ है उससे आप ज़्यादा स्टिचेस डाल चुके हैं और उसके बाद क्या करना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, जो 12 स्टिच है उसमें हमने एक डबल क्रोशिया बनाना है। बस ये ख्याल रहे कि आपकी लाइन बिल्कुल क्लियर हो, एक लूप क्रोशिया हुक के नीचे और 2 लूप्स क्रोशिया हुक के ऊपर, और यहाँ पर हमने सिंपल एक डबल क्रोशिया, ये डबल क्रोशिया बना लिया। अब चेन 1 और इसी स्टिच में से एक और डबल क्रोशिया, सिंपल। अब हमें करना ये है, ये हम फर्स्ट रो शुरू कर रहे हैं, फर्स्ट इसके लिए यहाँ से 1, 2, 3 स्टिचेस छोड़कर जो फोर्थ है उसमें हम एक स्टिच मार्कर से इसको स्टिच मार्कर लगा लिया। इसका मकसद क्या है, ये यहाँ पर ये हमारी जो फर्स्ट रो है वो यहाँ से कम शुरू हो रही है, ये अपवर्ड जाने के लिए है और ये नीचे वाली रो ये स्टिचेस है, तो ये फोर्थ। उसके बाद एक वी स्टिच यहाँ पे हो गया, उसके बाद 3 चेन 1, 2, 3 चेन और यहाँ से 1, 2, 3, 4, 5, 6 नंबर पे जो स्टिच है उसमें फिर यही वी स्टिच हमें बनाना है। डबल क्रोशिया, चेन 1, अगेन सेम स्टिच एंड डबल क्रोशिया, पुल अप 2 लूप्स, पुल अप 2 लूप्स, ये इस तरह से। चेन 3, 1, 2, 3, स्किप 5 स्टिचेस, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 6 वन, यहाँ पे जो 6 स्टिच है इसमें हमने एक डबल क्रोशिया। चेन 1 और अगेन ये इस तरह से बन रहा है। जब आपकी फर्स्ट रो कंप्लीट हो जाए, यहाँ पे ये 3 चेन्स हमने बनाए
और मैंने कहा था कि कुछ स्टिचेस आप बढ़ा के ही रखें ताकि आपके लिए प्रॉब्लम ना हो। अब क्या है कि यहाँ पे ये इसको हमने एंड करना है, 1 2 3 4, जहाँ पे एंड है वहाँ पे फोर्थ में हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए इस तरह से ये आपकी फर्स्ट रो कंप्लीट होगी। ये स्टिचेस हमारे पास एक्स्ट्रा हैं, इनको आप इजीली रिमूव कर सकते हैं, इसको ख़त्म कर सकते हैं। इसको यहाँ से, ये जहाँ से हमने स्टार्ट किया था, इसको यहाँ से इस तरह से निकाल लें। अक्सरों का स्टिचेस काउंट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये लास्ट स्टिच पे हमने इसको खींच लेंगे। ये देखिए ये बिल्कुल क्लियर। तो इस तरीके से बजाय परेशान होने के कि हमने कितने स्टिचेस, आपको जितनी रिक्वायर्ड हैं उससे थोड़े से बढ़ा के रख लें और फर्स्ट रो के बाद आप उसको साइड पे ख़त्म कर दें। अब सेकंड रो, उसके लिए 1 2 3 4 5 चेन्स बनाएं और ये जो 3 चेन्स गैप है इसमें एक सिंगल क्रोशिया, 1 2 2 चेन्स, और ये जो वी स्टिच है इसमें अनदर वी स्टिच, चेन 1 सेकेंड डबल क्रोशिया इन सेम स्पेस। चेन 2 1 2, और ये जो 3 चेन स्पेस है इसमें एक सिंगल क्रोशिया, चेन 2 अनदर वी स्टिच, वी स्टिच के अंदर वी स्टिच, ये जो गैप है वहाँ से पहले डबल क्रोशिया, चेन 1 अगेन इन द सेम स्पेस डबल क्रोशिया, चेन 2 अब ये देखिए, अब यहाँ ये जो हमने स्टिच मार्कर लगाया था इसका पर्पस अब आपको समझ आएगा। इस स्पेस में से पहले सिंगल क्रोशिया, चेन 2, अब ये जो जहाँ पे हमने स्टिच मार्कर लगाया है यहाँ से हम इसमें डबल क्रोशिया बनाएंगे और ये हमारी सेकेंड रो कंप्लीट हो जाएगी। ये यहाँ से, अब नेक्स्ट 1 2 3 4 5 6 चेन्स बनाएंगे और डायरेक्ट हम यहाँ से वी स्टिच पे अनदर वी स्टिच। ये हमारी फर्स्ट रो है जो हमने पहले बनाई है, बिल्कुल वो इस तरह से डबल क्रोशिया, चेन 1 डबल क्रोशिया और फिर 3 चेन, 1 2 3 चेन और डायरेक्ट यहाँ पर वी स्टिच से वी स्टिच पर
डबल क्रोशिया, चेन वन, डबल क्रोशिया इन द सेम स्टिच, सॉरी इन द सेम स्पेस। ये देखिए थ्री चेन्स, थ्री चेन बनाने के बाद ये एंड हमने करना है, टू इस साइड से छोड़ने और यहाँ से थर्ड, थर्ड स्टिच में हमने एक डबल क्रोशिया बनाया। ये देखिए आपका ये फिर दोनों साइड से एक जैसा होगा। ये देखिए नेक्स्ट रो स्टार्ट लेंगे, वन टू थ्री फोर फाइव, और यहाँ से काम को पलट देंगे और यहाँ पर जो थ्री चेन गैप है वहाँ पे एक सिंगल क्रोशिया बनाएं। अब याद रखने के लिए कि हमारी रो कहाँ पे कंप्लीट होती है, तो हम यहाँ पर इसमें जो थर्ड चेन है, वन टू थ्री जो थर्ड चेन है, हम उसमें इस तरह से क्रोशिया इसको स्टिच मार्कर को दाखिल कर देंगे ताकि गलती की जाए। इन्हीं टू रोज को रिपीट करते रहें और ये आपके लिए एक खूबसूरत पैटर्न तैयार है। ये मुकम्मल होता है ये पैटर्न मज़ीद, और फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसा लगता है।